सिर्फ ये चाहती है कि जो माफियाज हैं जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है उनको तहफ्फुज गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन अगर अदम तहफ्फुज का शिकार है तो मेरा उस्ताद, मेरा प्रोफेसर है, मेरा टीचर है, मेरा हेडमास्टर है, मेरा एक स्केल से 22 स्केल तक जितना मुलाजम है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और खसूसी तौर पर पंजाब में जो है इंतहाई अदम तहफ्फुज का शिकार है। और हम एक महीने से सड़कों पर रुल रहे हैं। गवर्नमेंट समझती है कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट को बता देना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान को बनाने में लाखों कुर्बानियां दी हैं, और अब हमारे कंधे पर दोबारा आ गया है कि हमने माफियाज के खिलाफ भी लड़ना है तो मुलाजमों ने लड़ना है। सियासी पार्टियां जो कि हमारे लिए वफाले जान बन चुकी हैं, पहले होता था सियासी पार्टियां संजीदा होती थी, कोई मसला होता था उस इशू पर किसी न किसी सियासी पार्टी का बयान आता था, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ है कि किसी सियासी पार्टी ने एक महीने से उस्ताद रुल रहा है, मुलाजम रुल रहा है, एक भी बयान अभी तक नहीं आया। और मैं सियासी पार्टियों पर भी गवर्नमेंट पर भी वादा कर देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम 10 तारीख को हर हालत में लाहौर पहुंच रहे हैं, और वहां पर मेरा टीचर भी निकलेगा, मेरा प्रोफेसर भी निकलेगा, लाहौर के तमाम स्कूलों में इंशाल्लाह 5 से 9 तारीख तक तालाबंदी होगी और तमाम दफातर में तालाबंदी होगी और एहतजाज होगा, और 10 तारीख से हम धरना स्टार्ट करेंगे और पूरा पंजाब इंशाल्लाह 10 तारीख से जाम होगा। हम अपना हक लेना जानते हैं, हमने इन अदारों को बचाना है, हमने इस अदारों के अंदर काम करने वाले मुलाजिम को बचाना है। क्यों? अगर ये अदारे महफूज हैं, ये अदारे ताकतवर हैं, तो पाकिस्तान ताकतवर है, और अगर अदारे कमजोर हैं, अदारों के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन कमजोर हैं, तो पाकिस्तान कमजोर है। हमने इंशाल्लाह अदारों का भी तहफ्फुज़ करना है और इस पाकिस्तान को इन माफिया से, इन चोरों छुटेरों से भी बचाना है। अब मैं मुलाजमीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पर दिन ब दिन जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा हो रही है, इस जिम्मेदारी को समझे और 10 तारीख को लाहौर खसूसी तौर पर, लाहौर के गिरदोनवा जिले खसूसी तौर पर और पंजाब के सारे जिले जिस तरह तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ निकलना है। हमें वहां पर हर किस्म की मुजाहमत का सामना हो सकता है, लेकिन हमने इंशाल्लाह एक फूल की पत्ती को भी नहीं, न पहले कभी तोड़ा न अब तोड़ेंगे, न हमारा किसी सियासी पार्टी से तल्लक है। हमारा एक ही मोटो है कि हमने पेट की लड़ाई लड़नी है, और जो पे एंड पेंशन और जो लीव एंड कैशमिट, ये हमारा राइट है, इसके 1 रुपए की भी हमने मुलाजमीन की कटौती बर्दाश्त न करनी है न करेंगे, इसका तहफ्फुज हमने करना है, अदारों का तहफ्फुज करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फतह मुलाजमीन की होगी, मुलाजमीन की जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम सब एक हैं, एक ही नारा है, कोई पार्टी नहीं, कोई तंजीम नहीं, सब तंजीमें इकट्ठी है और एक ही नारा है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं।